नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फेयर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनवीसी के बारे में, हाई रेंज बिल्डिंग के बारे में, कि बिल्डिंग में कितना के जी प्रेशर होना चाहिए, टेरेस पे कितना होना चाहिए और हमें पंप बैठाना है वो उसमें कितना के जी प्रेशर होना चाहिए, तो उसके बारे में जानेंगे हम। उससे पहले आप लोगों को याद भी होगा, नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, आज 14 अप्रैल है और आज फायर सर्विस डे मनाया जाता है। थोड़ा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं लंबा लूँगा, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, पूरी हिस्ट्री उसमें आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। आज 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे डॉकयार्ड में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था, बहुत ही बड़ी फायर हुई थी। उस फायर के दौरान 66 फायरमैन शहीद हो गए थे और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी कुर्बानी वेस्ट ना जाए, उनको याद किया जाए, उसके लिए एक शहीद स्मारक बनाया गया है जो कि बाईकुला मुंबई में है और बॉम्बे डॉकयार्ड के सबसे नियरेस्ट फायर स्टेशन माना जाता है। वहाँ पे फायरमैन शहीद स्मारक बनाया गया है, वहाँ पे उनको पुष्पांजलि चढ़ा करके उनको श्रद्धांजलि देने का आज दिन माना जाता है। ये हो गया फायर डे, तो मान लिया चल इस नाम पे हम बनाते हैं। अब फायर सर्विस वीक 14 अप्रैल से 20 अप्रैल क्यों मनाते हैं, तो इसका मेन मोटो होता है, कोई भी घटना या दुर्घटना होती है उसके तीन ही कारण होते हैं, मैंने देखा नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा नहीं था, ये तीन कारण होते हैं। और वो इन चीज़ों को, इन्हीं डाउटों को निकालने के लिए आदमी के माइंड से फायर डिपार्टमेंट एक फायर ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कराता है। अब जहाँ पे फायर डिपार्टमेंट है वो अपने सभी डिपार्टमेंट को, अदर डिपार्टमेंट को प्लस अपने डिपार्टमेंट को फायर के बारे में अवेयर करता है, उनको अवेयरनेस देता है, उसके बारे में जागरूक करता है। इस दौरान अदर दूसरे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको फायर फाइटिंग की बेसिक नॉलेज दी जाती है, फायर इक्विपमेंट हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। 7 दिन का ये पीरियड रखा गया है, इसमें अलग अलग तरीके होते हैं, कोई बैनर के माध्यम से दर्शाता है, कोई मॉक ड्रिल के माध्यम से, तो ये सब किया जाता है। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। वो क्यों बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो सभी को पता है इसके बारे में, लेकिन बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वीडियो डालता हूँ और 1-2 दिन ही हुआ होता उस वीडियो को डाले, तभी कमेंट आता है कि सर इस चीज़ के बारे में बताइए, और वो वीडियो मैं 1-2 दिन पहले ही डाला हुआ है मेरा, लेकिन फिर भी कमेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप गलती से भूल गए हो, बेल आइकन जो ऑल नोटिफिकेशन का बटन आपने दबाया नहीं है, और मैंने जो वीडियो डाला था उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला। तो अगर आप भी इस तरह की मिस्टेक किए हुए हो तो प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे दबाना है। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ये मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में फ्लोर बनाई गई है, और हम मानते हैं कि ये बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर है, 50 मीटर्स मीटर 50 मीटर है, ठीक है, और यहां पे पंप हाउस है, लगभग सभी का अंडरग्राउंड होता है और जिनका नहीं है तो वो यहां उनके बेसिक लेवल पे होगा। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है एनबीसी के, टेरेस पे, यहां छत पे, आप देखना जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपकी वो इंडस्ट्रीज है चाहे हाई रेंज बिल्डिंग है, तो उसके टेरेस पे भी एक राइजर का हाई रेंट लैंडिंग वॉल का आउटलेट मिलेगा और उस पे प्रेशर गेज होना अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू एनबीसी रूल। तो उस प्रेशर गेज में मिनिमम
3.5 kg प्रेशर होना जरूरी है। साढ़े तीन के जी 3.5 kg प्रेशर होना अनिवार्य है कहां पे? टेरेस पे। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लियर। अब हम जानेंगे, मान लिया ये 10 मीटर है, यहां पे 10 मीटर स्टैंडर्ड ये बोलता है कि हर 10 मीटर पे ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर 10 मीटर तक 1 kg प्रेशर लेस हो जाता है। कितना? 1 kg प्रेशर। वन केजी प्रेशर लेस हो जाता है। एक और बता देता हूं मैं आपको, काउंट कहां पे करना है? जहां पे आपका पंप लगा है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपका पंप अंडरग्राउंड है तो आपका पंप के लेवल से काउंट करना स्टार्ट करेंगे मीटर, ना कि ग्राउंड लेवल से, क्योंकि बहुत सारी जगह ग्राउंड लेवल से बेसमेंट बोतल नीचे तक ले जाते हैं और वहां पर पंप लगा देते हैं, फायर पंप। तो जहां पे आपका फायर पंप की मोटर लगी है वहां से आप काउंट करोगे मीटर और यहां से ऊपर की तरफ जाओगे। मान लिया उसकी हाइट 50 मीटर है और स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि 10 मीटर पे 1 kg प्रेशर लेस हो जाता है। अगर एक्यूरेट आपको जानना है तो 0.98 kg, ये इसका एक्चुअल स्टैंडर्ड है, लेकिन हम इसको 1 kg मान के चलते हैं। अब आप वो तो देख ही रहे हैं 0.02। अब इस नंबर से इधर जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसको हम काउंट करेंगे तो आप जानी को कितना आएगा, तो 1 ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आपने किस हिसाब से बोल दिया कि 10 मीटर पे 1 kg प्रेशर लेस होगा, आपने 5 पे क्यों नहीं बोला, आपने 15 पे क्यों नहीं बोला। जो लोग जानते होंगे उसके बारे में वो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते वो इस चीज को जान लो। जब आप 5वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो आपने न्यूटन के बारे में सुना होगा, बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक था न्यूटन। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या बोलता है कि जब कोई भी चीज आप फोर्स के साथ ऊपर जमीन में फेंकते हो, सॉरी जमीन से आसमान की तरफ फेंकते हो, तो एक ऐसा लेवल आता है कि उसके बाद वो ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर जाता वापस। वो डिपेंड किस पे करता है? वो आपकी फोर्स पे डिपेंड करता है, आपने कितनी ताकत से उसको ऊपर फेंका उस फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उतनी ऊपर तक जाएगा वो और उसके बाद फिर वो नीचे गिर जाता है। तो सेम यहां पे न्यूटन का नियम फॉलो किया गया है, क्योंकि हम पानी नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है। अब जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो 1 kg प्रेशर लेस हो जाएगा। तो इसका सेम भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा टेरिस पे भी पंप लगाए जाते हैं, अल्टरनेटिव पंप, जो कि पंप लगाया जाता है ऊपर। अब उसका काम क्या है? उसका यह फायदा होगा वो इसको अपोजिट वर्क करा रहा है। क्या का काम करा रहा है? अपोजिट वर्क करा रहा है। जैसे जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं कोई भी वस्तु तो उसका एक लेवल पे आके उसी फोर्स कम हो जाती है, तो सेम यहां पे क्या होगा, जब हम पानी ऊपर से ऐसे घेर डालते हैं ना, ग्लास से पानी लेना और उसको नीचे की तरफ डालना, वो पूरी स्पीड से आएगा और नीचे आवाज करेगा, फट 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 की आवाज करेगा, टकराएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फोर्स के साथ गिर रहा है। आप जितना ऊपर लेके जाओगे उतना ही ज्यादा फोर्स उसको मिलेगी,
और जितना नीचे लेके जाओगे उसकी फोर्स कम हो जाएगी। उसको बोलते हैं ग्रेविटी प्रेशर। टेक्निकल नाम बता देता हूं मैं आपको। जब ऊपर से नीचे की तरफ पानी आ रहा है, कोई भी फोर्स आ रही है, तो उसको ग्रेविटी प्रेशर बोलते हैं या ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए। अब बात आती है कि हम कैसे पता करें कि यहां पे पंप में कितना या पंप हाउस में कितना केजी प्रेशर होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी हाइट का पता होना चाहिए कि हमारे बिल्डिंग की हाइट कितनी मीटर है। अब मैं मानकर चलता हूं कि हमारे टावर की हाइट 50 मीटर है। अब 50 मीटर है तो हर 10 केजी, हर 10 मीटर पे 1 केजी प्रेशर लेस हो जाता है। तो 10 मीटर पे 1 केजी प्रेशर हो रहा है लेस, तो 50 पे कितना होगा, 5 केजी। यहां पे देखिए कितना केजी, यहां पे ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया 5 फ्लोर, और सॉरी फ्लोर नहीं, मीटर बोलेंगे, 5 रैक है 10-10 मीटर के बनाए हैं हमने। तो जो एक रैक है वो 10 मीटर का है, यहां पे 1 केजी प्रेशर लेस हुआ। जब अगले 10 मीटर पे हम पहुंचे तो वहां पे 2 केजी प्रेशर लेस हुआ। उसी तरह 30 पे 3 केजी, 40 पे 4 केजी, 50 पे 5 केजी, अब आ गया 5 केजी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 केजी को इस 3.5 केजी से प्लस कर देंगे। ये लो, अब क्या करना है आपको, ये 3.5 केजी इसमें प्लस कर देना है। तो इसका प्लस हुआ था कितना हुआ, 8.5। आपके पंप हाउस में 8.5 केजी प्रेशर होना चाहिए। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। यहां पे कितना होना चाहिए, 8 केजी प्रेशर। तो ये पूरा लॉजिक है। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण बल जब नीचे से हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो भी वहां पे आपको सेम वही चीज यहां पे फॉलो करनी है। अब आप देख सकते हैं कि जब हम ऊपर से प्रेशर ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, ये चीज जो 5 केजी प्रेशर है ना, ये सेम यहां पे अपोजिट हो जाएगा जब आप ऊपर से पंप को काउंट कर रहे हैं। जो ऊपर ये एक मिनट आप सोचो कि ये वाला पंप हाउस है, हमने बाईपास कर दिया, ठीक है, हमने ये पंप है ही नहीं, पंप हाउस है ही नहीं। तो अब क्या होगा, आप ऊपर से प्रेशर छोड़ना स्टार्ट करो तो यहां पे प्रेशर आपको वो भी ये चीज यहां पे भी फॉलो करनी है, 3.5 केजी वाली, और नीचे आपको ऑटोमेटिकली 8.5 केजी प्रेशर मिलेगा। अब दूसरा अल्टरनेटिव बताता हूं मैं आप लोगों को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिल्डिंगों में ऊपर पंप नहीं बनाते, वो क्या करते हैं ऊपर में एक ओवरहेड टैंक बनाते देते हैं और उसकी सप्लाई डायरेक्टली राइजर लाइन से जोड़ देते हैं। यहां पे ये मान लिया राइजर लाइन दी है और ये हर फ्लोर पे इसके आउटलेट निकले हुए हैं, तो वह क्या करते हैं इसको ऊपर जोड़ देते हैं, और वह स्प्रिंकलर लाइन से भी जुड़ जाता है। स्प्रिंकलर लाइन से जुड़ने से क्या फायदा हुआ, आपका पंप भले ही काम मत करो, सारे के सारे फैले जाओ, नो प्रॉब्लम। ये क्या होगा, ऊपर वाली वॉल खोल दो, आपको यहां पे 8.5 केजी प्रेशर मिलेगा, आप फायर फाइटिंग आराम से करो। और हर फ्लोर में जो स्प्रिंकलर लगा है, अब जब वहां पे आग लगेगी तो क्या होगा, स्प्रिंकलर टूटेगा, एक्स्ट्रा इनकम की एक्स्ट्रा कोई भी सोर्स की जरूरत नहीं है, वो टूटते ही स्प्रिंकलर ऊपर का टैंक का पानी ऑटोमेटिकली ग्रेविटी फोर्स से नीचे की तरफ आएगा और आग बुझाना स्टार्ट कर देगा। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, जब ये स्प्रिंकलर ऊपर वाला हो और हेड टैंक है, ये बात हमेशा याद रखना आप, जब भी कभी भी जिंदगी में फायर फाइटिंग आप अपनी लोकेशन में कर रहे हो तो उसी टाइम आपको अपने बोरवेल चला देने हैं। फायर फाइटिंग कर रहे हो, बोरवेल चला देने हैं, ये इंटेलिजेंट फायरमैन एक इंटेलिजेंट ऑफिसर का डिसीजन होना चाहिए। वो क्यों,
आप फायर फाइटिंग तो कर रहे हो, लेकिन वो आग कब कितना बड़ा रूप धारण कर ले हमें थोड़ी पता है। हम पानी फेंके जा रहे, एक ऐसा टाइम आएगा ना यार, वो पानी भी तो खत्म हो ही रहा है। टैंक की जितनी कैपेसिटी उतना ही तो यूज कर सकते हो आप। तो जैसे फायर फाइटिंग चालू करते हो तो दोनों टैंक का, जो बोरवेल का वॉल है उसको चालू कर दो और फायर फाइटिंग भी चालू रखो। उससे आपको ये बेनिफिट होगा, अगर ओवरफ्लो भी होता है तो आपको बिल्डिंग को, आपकी बिल्डिंग को कूल करेगा। और आप पानी यूज भी कर रहे हो और फायर फाइटिंग भी कर रहे हो, आपका पानी साथ ही साथ रिकवर भी हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो डियर, ये वीडियो मैंने बहुत सारे कमेंट आने के बाद बनाई है, ठीक है। इससे पीछे भी बहुत सारी वीडियो के कमेंट अभी पेंडिंग है, लेकिन ये पहले मैंने इसलिए बनाई क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है, दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली हुई है कॉन्ट्रैक्ट में। और वहां पे उनको कहां जाना है, वो ज्यादातर बिल्डिंग में ही जाएंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जितना भी एरिया है वहां पे बिल्डिंगें ज्यादा है, इंडस्ट्रीज कम है। तो ये चीज आपको वहां पे फेस करने को मिल सकती है, तो ये चीज आपको माइंड में बैठा लेनी है। और अगर आप सुपरवाइजर फायरमैन ऑफिसर जो भी हैं, अगर आपके बिल्डिंग में चाहे आप फायर सर्विस में ना भी जाओ तो यहां पे आप ही फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन, जहां तक मेरा मानना है, आप दिल्ली फायर सर्विस में अभी जो इंटरव्यू देने जो लोग जाएंगे वहां पे ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। मैं बोलता हूं 90% पूछा जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछता है जो उसके वहां पे जो चीज फॉलो हो रही है, जो इक्विपमेंट वहां पे है, जो सिनेरियो वो बार बार फेस कर रहा है, जो फायर फाइटिंग बार बार में वो कर रहा है, उन्हीं चीजों पे क्वेश्चन करता। आप कहीं भी चले जाना, उन्हीं चीजों पे होगा। तो अगर आप वहां पे भी जा रहे हो ना, तो थोड़ा हा उसके बारे में, बिल्डिंग के बारे में ज्यादा पढ़ के जाना और फायर टेंडर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, समाप्त करते हैं यहीं पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, मेरे को कुछ नहीं मिलता, बस थोड़ा हा इंस्पायर हो जाता है अपनी। तो आज तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।